बहुत सारी है और कोविड वाली वैक्सीन यही से हमें करते हैं। कृषि मंत्री और लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज महमूदाबाद सीएससी का औचक निरीक्षण किया। दरअसल कृषि मंत्री रेउसा जा रहे थे, उनका दो दिवसीय सीतापुर में कार्यक्रम है। आज पहले दिन उनकी रेउसा में गरीब कल्याण सभा होनी है और बाढ़ इलाके का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा कई अन्य उनके कार्यक्रम भी हैं। रास्ते में महमूदाबाद में औचक निरीक्षण सीएससी का किया तो कई खामियां निकल के सामने आई। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ने 22 अप्रैल को सीएससी महमूदाबाद का निरीक्षण किया था, उस समय भी कई कमियां मिली थी जिस पर डिप्टी सीएम ने खासा नाराजगी जताई थी और आज फिर भी कृषि मंत्री के निरीक्षण में भी भारी कमियां मिली हैं। क्या कुछ कमियां निकल के सामने आई हैं, हमारे सहयोगी आयुष जैन मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से आपको दे रहे हैं पूरी जानकारी। जी उदय जी, मैं आपको बताऊं, ये सूबे के कृषि मंत्री और लखनऊ मंडल के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही का सीतापुर दौरा चूंकि आज प्रस्तावित था, उनको रेउसा में गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करना था। ठीक उससे पहले उनका कार्यक्रम चूंकि महमूदाबाद की होके उनको रेउसा जाना था, लिहाजा महमूदाबाद में भी उनका स्कूल चलो अभियान और पंचायत भवन निरीक्षण लगाया गया था। जब करीब सुबह के 11:30 बजे प्रभारी मंत्री महमूदाबाद की निरीक्षण अपने कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, तभी उनका काफिला अचानक बस स्टॉप पे बने महिला अस्पताल पे रुकता है। सूबे के जो कैबिनेट मंत्री हैं और लखनऊ के प्रभारी मंत्री हैं, उनका काफिला जब महिला अस्पताल में रुका तो स्वास्थ्य कर्मी जो थे उनके अचानक होश उड़ गए। आनंद फानन में सीएससी अधीक्षक और जो दूसरे स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं वो महिला अस्पताल में पहुंचे। सूबे के जो मंत्री ने कैबिनेट मंत्री ने निरीक्षण किया महिला अस्पताल का और वहां पर बड़ी संख्या में खामियां सामने आई हैं। उसके बाद उन्होंने सीएससी महमूदाबाद का निरीक्षण किया जो कि वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। सीएससी महमूदाबाद का जो भवन है वो पूरी तरह से उसकी जो दीवारें हैं वो पान की पीक से रंगी मिली हैं, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई है। इसके अलावा मरीजों को बैठने वाली जो बेंचें हैं वो टूटी पड़ी हुई थी, उस पर उन्होंने सीएससी अधीक्षक हैं जो डॉक्टर दिनेश त्रिपाठी उनको फटकार लगाई है। पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों और बराबर शासन के निर्देशों के बाद भी अस्पताल में जो गंदगी है वो नहीं सुधर रही है। जो अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट है वो डाला जा रहा है, कहीं ना कहीं से जो गंदगी है वो पूरी तरह से अस्पताल परिसर के इर्द गिर्द देखने को मंत्री को मिली, जिसके बाद उनका पारा चढ़ गया। उन्होंने तुरंत सीएससी अधीक्षक से जवाब तलब किया कि आपके अस्पताल में गंदगी बहुत है, सफाई नहीं करा रहे हैं आप, जिसके बाद सीएससी अधीक्षक कोई जवाब नहीं दे सके, वो अपनी बगलें झांकते नजर आए। जिसके बाद जो मंत्री ने तुरंत अपने जो ओएसडी हैं उनको रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तुरंत जो सूबे के स्वास्थ्य महानिदेशक हैं उनको पूरी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं कि इस अस्पताल में जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाए और हेल्थ डीजी को इस बारे में अवगत कराया जाए। जी बिल्कुल आयुष जी, कितनी देर कृषि मंत्री वहां पर रुके हैं और सीएससी महिला अस्पताल के निरीक्षण के अलावा और क्या कुछ वहां पर उनकी गतिविधियां सामने आई? जी मैं आपको बताऊं कि करीब 11:30 बजे उनका महमूदाबाद जाने का कार्यक्रम लगा हुआ था और वो अपने कार्यक्रम से कुछ ही 15-20 मिनट लेट होके वो महमूदाबाद पहुंचे। करीब 12 बजे वो सुबह जो महिला अस्पताल है वहां पहुंच गए थे। उसके बाद उन्होंने सीएससी का निरीक्षण किया। करीब आधे घंटे तक वो अस्पताल के परिसरों, इमरजेंसी कक्ष और जो ओपीडी है उसका निरीक्षण किया, मरीजों से बात की और उसके करीब आधा घंटा रुकने के बाद वो जो विकासखंड महमूदाबाद की ग्राम पंचायत बघाइन है वहां आ गए और वहां पर स्कूल चलो अभियान का और पंचायत भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बातचीत करके आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए। जी बिल्कुल, तो इसके बाद वहां से रवाना हो चुके हैं कृषि मंत्री रेउसा के लिए। रेउसा में उनका कार्यक्रम है, वहां गरीब कल्याण सभा को संबोधित करेंगे, फिर निरीक्षणों का दौर भी जारी होगा। जी आयुष जी, कुछ बताना चाह रहे हैं आप? जी मैं आपको बताऊं उदय जी कि महमूदाबाद की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से बेपटरी हो चुकी है। इससे पहले जो सूबे के डिप्टी सीएम है और स्वास्थ्य मंत्री
22 अप्रैल को वो महमूदाबाद पहुंचे थे। अचानक निरीक्षण उनका लगा था, जिसके बाद बड़ी संख्या में उस समय कमियां सामने आई थी। 11 से 12 डॉक्टर उस समय अनुपस्थित मिले थे। अस्पताल में गंदगी भी थी और पेयजल के कोई इंतजाम नहीं थे। इसके अलावा जाले से और जो जाले पूरे अस्पताल में लगे हुए थे, जो अस्पताल के उपकरण है, इमरजेंसी कक्ष है, वहां पर बड़ी संख्या में गंदगी थी। सब पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो पूरा जंगल राज उस समय अस्पताल में देखने को डिप्टी सीएम को मिला था। जिसके बाद उन्होंने कड़ी फटकार लगाई थी। उन्होंने सीएमओ को वहीं पे फोन करके अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश भी दिए थे। अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं, उसके बाद ये हाल है कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों का पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमे ने माहौल बना के रख दिया है। महमूदाबाद अस्पताल में अव्यवस्थाएं इस कदर हावी हैं कि जब आज दूसरे कैबिनेट मंत्री, जो एक प्रभावशाली कैबिनेट मंत्री हैं सूबे के, वो निरीक्षण करते हैं तो उनके निरीक्षण में भी अव्यवस्थाएं सामने आती हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है स्वास्थ्य महकमे के जो जिम्मेदार हैं उनके लिए बड़ा सवाल है। और डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री जो लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की एक मुहिम छेड़े हुए हैं, उनके लिए भी, उनकी कार्यशैली के को भी ये लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनकी कार्यशैली का भी ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उनके आदेशों का मजाक उड़ा रहे हैं। फिलहाल आज जो भारी कमियां मिली उन पर भी फटकार लगाई प्रभारी मंत्री ने और भी कार्रवाइयों के निर्देश दिए हैं। अब वो रवाना हो गए हैं रेउसा की तरफ। हालांकि इससे पहले मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी निरीक्षण के संबंध में, ये भी हम आपको सुनाते हैं। और इसके बाद रेउसा में उनका जो कार्यक्रम है उसकी भी हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। तो आप लोग इंडिया से जुड़े रहे और फिलहाल कृषि मंत्री ने क्या कुछ जानकारी दी है ये आप सुनिए। आए हुए हैं और लगभग 300 से ज़्यादा मरीजों को आउटडोर में देखा जा चुका है। मरीजों को दवाइयाँ भी मिल रही हैं, थोड़ा सफाई में कमी है तो मैंने उनको निर्देश दिए हैं कि वो सफाई की व्यवस्था बच सकते हैं। सर क्या कुछ निर्देश आपकी तरफ से दिए गए हैं दोनों के? बता दिया, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।